वेलकम डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ हरिओम गुप्ता और एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको जियोग्राफी टेस्ट सीरीज का यह दूसरा टेस्ट। आप लोगों ने पहले टेस्ट का बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया है, इसी तरह रिव्यू बताते रहिए जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट डिजर्व टू विन। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सक्सेस को डिजर्व नहीं करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हम आपको प्रैक्टिस सेट डेली प्रोवाइड कराएंगे और उस प्रैक्टिस सेट में हम पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का प्रैक्टिस सेट यूनियन टेरिटरीज अर्थात भारत के संघ राज्यों से है। आइए इनके बारे में एक नज़र जान लेते हैं। भारत के यूनियन टेरिटरीज अंडमान और निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप जो पश्चिमी घाट पर है, पांडिचेरी भारत में तीन जगह स्थित है। ये भी पूछा जा सकता है पांडिचेरी कहाँ कहाँ स्थित है, तो पांडिचेरी की जिलों के नाम पूछे जा सकते हैं, माहे, यनम और कराईकल, यह पांडिचेरी के तीन जिले हैं। इसके अलावा जो हमारी यूटी है दिल्ली कैपिटल, और 370 आर्टिकल में चेंज करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया है। आइए अब हम यूटीज के कैपिटल और यहाँ के सीएम के बारे में जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एके सिंह। चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एच सोलंकी। दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी सिलवासा और यहाँ पर असी कुंद्रा हैं। यूटीज की एक और खासियत होती है कि यहाँ पर विधानसभा तो होती है परंतु यहाँ पर विधान परिषद नहीं होती है, और दूसरा यहाँ की पुलिस गृह भारत के केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होती है, अर्थात यह पूर्ण राज्य नहीं होते हैं, यह यूटीज लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन करती है। आते हैं नेक्स्ट यूटी के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती और पांडिचेरी की पांडिचेरी। देखिए अब हम देखते हैं कि दो हमारे नए यूटीज बनाए हैं 370 आर्टिकल में चेंज करके, जो वर्तमान में लेह और JNK जम्मू एंड कश्मीर और लेह को दो यूटीज में कन्वर्ट किया गया है। ये जो दो वाइट पार्ट देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के ऊपर, एक तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और राइट हैंड साइड में XI चाइना है, तो जो येलो पार्ट है उतना ही भारत के पास वर्तमान में है, बाकी POK और XI चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, दिल्ली क्या है? यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लोअर PCS 2003 में पूछा गया था। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं लेकिन हम आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत से क्वेश्चन कवर कराएंगे। ऑप्शन बी यहां पर केंद्र शासित प्रदेश सही है। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की कंडीशन वर्ल्ड में सबसे बेकार है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, जहां पर 80,000 से ट्रक प्रतिदिन गुजरते हैं और मोर देन 10,000 पीपल रिलेटेड टू डेथ बाई एयर पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा अनिल बैजल। दिल्ली अब वर्तमान नेशनल कैपिटल रीजन में पूछे जा सकते हैं कौन कौन से राज्यों का हिस्सा आता है, तो नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली, इतने राज्यों का भाग आता है। आइए अब जान लेते हैं यूटीज के क्रम के बारे में। तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा एरिया वाइज, और लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है जो हमारी सबसे बड़ी केंद्र शासित राज्य है हमारा, वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। एक्चुअली यह एक द्वीप समूह है, द्वीपों का समूह है, जिसका एरिया 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। आते हैं स्मॉल यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर का ही है मात्र, और यह मूगा चट्टानों का बना हुआ है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट
कच्छ गुजरात में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? यह पॉपुलेशन वाइज पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, यह भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन में दिल्ली इसका राइट आंसर है। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, अर्थात जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो वहां पर भी राइट आंसर दिल्ली होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम यूपीपीसीएस 2008। इस क्वेश्चन में यह बताना है कि नेशनल कैपिटल रीजन भारतीय राजधानी क्षेत्र का कौन से राज्य से हिस्सा नहीं लगता है। हरियाणा, हरियाणा तो सबसे ज्यादा राज्य लगता है। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। तो जो नेशनल कैपिटल रीजन का ये हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं, अगर पूछा जाए कि नेशनल कैपिटल रीजन में किस राज्य के सबसे ज्यादा जिले हैं, तो जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं इस मैप में, वह हरियाणा के जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। यह क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया था, क्रमशः बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुर, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान के भी 2 जिले नेशनल कैपिटल रीजन में लिए गए हैं, यह है भरतपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पंजाब का कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं लिया गया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पंजाब से नेशनल कैपिटल रीजन में कोई भी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछा जाता सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के हैं, तो हरियाणा के। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो 8। राजस्थान के कितने जिले हैं, 2। इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सिलवासा राजधानी है। अब हमने शुरुआत में ही लिस्ट के माध्यम से देखा था कि सिलवासा की राजधानी किसकी राजधानी है, दादरा एवं नगर हवेली की। यह कहाँ लोकेटेड है, तो यह नियर गुजरात लोकेटेड है, गुजरात के पास में दादरा एवं नगर हवेली यूटी लोकेटेड है। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा हमारा यूटी है, कौन सा मूगा चट्टानों पर बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर मूगा चट्टानों की अधिकता पाई जाती है और वहां पर लक्षद्वीप मूगा चट्टानों पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, सारनाथ स्थित है। सारनाथ बुद्ध धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थल है और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह बनारस से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए हम मैप के माध्यम से और इमेजेस के माध्यम से समझते हैं। यह सारनाथ में गौतम बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और यह बनारस के निकट 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आप देखिए मैप के माध्यम से हम यहाँ पर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन है वाराणसी, वाराणसी जहाँ से वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ के सांसद हैं और वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ स्थित है। सो अवर राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन यूपी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हेयर। अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुशीनगर, कुशीनगर को अभी वर्तमान में ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मान्यता प्रदान की है। तो दिस इज द स्टेप टेकन बाई द यूपी गवर्नमेंट टू डेवलप अवर डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार और इसमें हम क्रम जान लेते हैं कि भारत का स्थान यहाँ पर 7वां है, 7th पोजीशन है इंडिया की इन एरिया वाइज। तो सबसे ज्यादा एरिया यहाँ पर कहाँ, किस देश का है, रसिया का, रसिया का सबसे ज्यादा एरिया है। फिर चाइना हमसे लगभग 5 गुना है एरिया वाइज, यूएसए हमसे एरिया वाइज बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया हमसे एरिया वाइज बड़ा है, भारत का नंबर है 7th। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो स्टार्टिंग में ही हमने स्टडी की थी, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारा कौन सा यूटी एरिया वाइज सबसे बड़ा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, अंडमान एवं निकोबार। अब यहाँ पर हमने कल एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, कितने निकोबार हैं, कार निकोबार, लिटिल अंडमान,
ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है, क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था। इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है हमारा ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। आते हैं भारत के कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश जो स्थलीय सीमा है भारत के साथ बनाता है, वह तीनों तरफ से लैंडलॉक कंट्री है। भारत तीनों तरफ से उसकी साथ सीमा बनाता है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ है, तो नो डाउट यहाँ पर बांग्लादेश के साथ है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है, और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न मोस्ट। भूटान किसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ ऊपर सिक्किम के साथ लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि म्यांमार किसके साथ नहीं बनाता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारे नीचे त्रिपुरा है, त्रिपुरा से तो इसकी बाउंड्री टच होती है, बट मणिपुर से इसकी बाउंड्री टच नहीं होती आते हैं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। यहाँ पर भारतीय राज्य का नाम बताना है जो म्यांमार से सबसे ज्यादा सीमा स्पर्श करता है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, लास्ट ऑप्शन है नागालैंड। डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हमने मैप में यहाँ पर देखा कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा ईस्टर्न स्टेट है, वह म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। वर्तमान में चीन ने भी अरुणाचल प्रदेश पर अपनी दावेदारी दिखाई थी। जो चीन की फॉरवर्ड पॉलिसी है, विभिन्न देशों में वह अपने एरिया को दिखाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमें जियोग्राफी में कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से भारत के मैप के माध्यम से समझते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बताता है। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जबकि ऑप्शन में मणिपुर दिया गया है। आप बहुत ही क्लियरली देख रहे होंगे कि मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। सो राइट आंसर इज हेयर मणिपुर। और देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ। ऑप्शन हमने पिछला क्वेश्चन किया था, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती है, मणिपुर। इस तरह से हम रटेंगे नहीं, हम चीज़ों को समझेंगे और हम समझकर विजुलाइज कर कर आंसर देंगे। एग्जाम में हमें कुछ भी रट के नहीं जाना है, क्योंकि रट के जाई हुई चीज़ें गलत होती हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की निम्नलिखित राज्यों में किसके तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब यह क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं कि भारत के निम्न राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। डियर एस्पायरेंट, आप खुद इस भारत के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को देखिए और आप स्वयं इसका आंसर दीजिए कि कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से घिरा हुआ है। नो डाउट त्रिपुरा। त्रिपुरा जो बांग्लादेश के अंदर एक नोक बनाता है, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा त्रिपुरा हो जाता है। जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर इसकी राजधानी कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन तरफ से है। राइट आंसर इज त्रिपुरा। कितना आसान है यहाँ पर मैप को विजुलाइज करके क्वेश्चन के आंसर दे देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। डियर एस्पायरेंट्स, एक क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि बांग्लादेश, बांग्लादेश एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको भारत तीन तरफ से सीमा बनाता है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ हो जाएगी यहाँ पर, बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन भी पूछी जाती है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ। मैकमोहन लाइन शेयर करता है चाइना के साथ। जो गलवान घाटी इशू अभी वर्तमान में चल रहा है, कहाँ है, लद्दाख में। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारत में जो पांच नदियां हैं, जो पंचनद क्षेत्र है, जो पंजाब का क्षेत्र है, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया है डिवीजन में। और बांग्लादेश को विभाजन से पहले भी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान है।
डियर एस्पायरेंट्स, आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन इन तीन देशों से मिलती है? तो यहाँ पर हमें स्टेट बताना है, राज्य का नाम बताना है जो इन तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो आप ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तो चीन के साथ सीमा बनाता ही नहीं है। 12 का आंसर डी यहां पर सही है। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन इन तीन देशों से सीमा बनाता है। तो राइट आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन ए तट से समुद्री 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक। यहाँ पर जल का जो क्षेत्र होता है, स्थल सीमा जो होती है उससे कितना, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग भारत के तट से 12 समुद्री मील तक जो भारत की सीमा है, प्रादेशिक जल विस्तार, वो 12 समुद्री मील तक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली तीन पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो यहां पर इन पर्वत श्रेणियों से बनते हैं। अराकान योमा पर्वत श्रेणी, अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय का ही पार्ट है। भारत में जो हिमालय का विस्तार है वो तीन श्रेणियों में है, लघु हिमालय, शिवलिक जो है हमारा, फिर इसके बाद ग्रेट हिमालय। तो उक्त में से कोई भी, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली कोई भी डिवाइडिंग रेंज नहीं है। जो हमारी ये गारो, खासी, जैंतिया, दे आर नॉट मेकिंग बॉर्डर विद अदर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। यहाँ पर हमें वन आच्छादित क्षेत्र के बारे में बताना है कि विच स्टेट हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्टल एरिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, असम इज करेक्ट, असम का फॉरेस्ट कवर एरिया इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। डियर एस्पायरेंट्स, आज का ये हमारा टेस्ट सीरीज पार्ट 2 था। कल अब हम आपको फिर पार्ट 3 प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।